आज हम आपके लेकर आए हैं एक ऐसी रेसिपी जो कि आपने कभी नहीं देखी होगी ना इस तरह से बनाई होगी। बनाने में इतना आसान है और खाने में इतना स्वादिष्ट है, अगर आप अंडा खाते हो तो जरूर इसको ट्राई करोगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ निगम। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिया है उबले हुए आलू। तो हमने 3 आलू का प्रयोग किया है। उबालने के बाद में इस तरह से हमने छील के इनको खोल दिया है, तो इससे बहुत बढ़िया से ठंडे हो जाते हैं। अंडों को हमने बढ़िया तरह से छील के रेडी कर लिया है। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। आलूओं को बढ़िया तरह से मैश कर लेना है। बढ़िया तरह से हमने मैश कर लिया, तो यहाँ पे डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज, चाहे तो आप टमाटर भी डाल सकते हो, और यहाँ पे डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर, और यहाँ पे डालेंगे चाट मसाला, और यहाँ पे डालेंगे गोल मिर्च पाउडर, तीखा के लिए हरी मिर्च, चाहे तो मिर्च को आप पीस करके भी डाल सकते हो, और यहाँ पे डालेंगे काला नमक स्वाद के अनुसार, चाहे तो आप सफ़ेद नमक का प्रयोग कर सकते हो, और यहाँ पे ओरिगानो डालेंगे, और यहाँ पे डालेंगे धनिया का पाउडर। अगर आपके पास फ्रेश धनिया है तो उसका प्रयोग बहुत बढ़िया से कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ी सी हींग डालेंगे। सारी चीज़ों को बढ़िया तरह से मिला देना है। चाहे तो आप फिलिंग को जो है बढ़िया तरह से फ्राई करके भी बना सकते हो, जैसे कि सारी चीज़ें बढ़िया से पका करके भी बना सकते हो। तो यहाँ पे फिलिंग हमारी बनके रेडी हो चुकी है। यहाँ पे इस तरह से अंडों को लेना है और इस तरह से फिलिंग को लेना है, इसको बढ़िया तरह से कोट कर देना है। इस तरह से लपेट देना है। हमने बढ़िया तरह से इस तरह से बना लिया, तो सभी को इसी तरह से बना के रख लेते हैं। बॉल्स को हमने बढ़िया तरह से इस तरह से बना के रख लिया है। यहाँ पे हमने लिया है पानी और मैदा, तो मैदा का घोल इस तरह से इसको भी बना के रख लिए हैं, और यहाँ पे लिए हैं ब्रेड क्रम्ब। इसे ब्रेड लेना है और उसको बढ़िया से मिक्सर जार में डाल के ग्राइंड कर लेना, तो इस तरह का बन जाता है। तो सारी चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, बस इस तरह से लेना है और इसमें थोड़ा से डिप कर लेना है, बस इस तरह से। और उसके बाद में यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब हमने रखा है, इसमें इस तरह से लपेट देना है। चाहे तो आप दोबारा भी इस तरह से कर सकते हो, लेकिन एक बार में हो जाएगा एकदम परफेक्ट। बस इस तरह से डाल देना है। इस तरह से हल्का से सेंक जाए तो हल्का से इसको इस तरह से कर देना है, और बढ़िया उलटाते पलटाते बढ़िया तरह से इनको गोल्डन ब्राउन होते हुए फ्राई कर लेना है। हमने बढ़िया तरह से फ्राई कर लिया, अब इनको बाहर निकाल के रख लेते हैं। तो लीजिए, हमने बढ़िया तरह से फ्राई कर लिया, काफ़ी बढ़िया बने हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो चलिए इसको बढ़िया से डेकोरेट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे एक प्लेट लिया है, ये चाकू लिया है, इसको बीच से इस तरह से बिल्कुल आराम से इसको कट करना है। कट करके आपको हम दिखा रहे हैं। हमने बढ़िया तरह से कट कर लिया। अब यहाँ पे इस तरह से प्याज डालेंगे बारीक कटी हुई। और यहाँ पे थोड़ा से मैगी मसाला डालेंगे, क्योंकि अंडे में जो है नमक बिल्कुल नहीं है, तो इस तरह से अगर डाल देंगे थोड़ा से नमक आ जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा से काला नमक डालेंगे, ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा ही डालना है, क्योंकि आलू की फिलिंग हमने इसमें लगाई है तो उसमें भी नमक है। यहाँ पे डालेंगे नमक पारा जो हमने बना के रखा था, बस इस तरह से क्रंचपन आ जाएगा इस तरह से डाल देंगे तो। और यहाँ पे डालेंगे चटनी, ये हरी चटनी है, बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा इसमें डाल देते हैं।
आपको इसमें जो कमी लग रही हो आप इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास हरी धनिया नहीं थी तो मैंने इसमें नहीं डाला है, आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना बढ़िया सा नाश्ता हमारा बन के रेडी हो चुका है। अगर आप अंडा खाते हो, आपके बच्चे अंडा खाते हैं, तो इस तरह का हेल्दी सा नाश्ता आप बना के दे सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, खाने में बहुत स्वादिष्ट है, तो ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। इस तरह के बारिश में खाने में अच्छा लगता है। अगर वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।